फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नव्यास क्विक रेसिपी। कमल ककड़ी की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी बनती है फ्रेंड्स। इस सब्जी को आप रोटी, परांठे या फिर नान के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कमल ककड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम कमल ककड़ी ली है। कमल ककड़ी को साफ पानी से दो बार धो लिया है। तो सबसे पहले हम कमल ककड़ी के किनारे कट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम साइड्स हटा लेंगे और अब हम कमल ककड़ी का छिलका हटा देंगे फ्रेंड्स। कमल ककड़ी को छील लिया है अच्छे से, अब इसके हम टुकड़े काट लेंगे। इस कमल ककड़ी के इस तरह से पीस काट लीजिए। इस तरह से कमल ककड़ी के छोटे छोटे पीस काट लीजिए। आप देख सकते हैं, इस तरह से आप टुकड़े इसके काट लीजिए कमल ककड़ी के। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल 2 चम्मच डाल रही हूँ और गरम होने देंगे तेल को। तो फ्रेंड्स देखिए, अब तेल अच्छे से गरम हो चुका है, तो हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे जीरा। 1 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा जब अच्छे से चटकना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे। टमाटर डालकर अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हींग डाल देंगे और इस मसाले को अच्छे से फ्राई होने देंगे और टमाटर को बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो टमाटर प्यूरी भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सादा टमाटर को काट कर ही सब्जी बनाई है फ्रेंड्स। आप टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए और फिर इसको मैश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मसाले को हमें लगातार भूनते रहना है और तब तक भूनना है जब साइड से तेल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मसाला अच्छे से भुन चुका है, तेल किनारे से निकलना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें कमल ककड़ी के टुकड़े डाल देंगे। और डालकर इसको भी अच्छे से भून लेंगे। एक मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करना है इसी में कमल ककड़ी के टुकड़ों को, जिससे कि मसाला कमल ककड़ी के अंदर तक जाएगा। आप अगर ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी मिर्च और डाल दीजिए, लाल मिर्च पाउडर। और अब इसमें हम डाल देंगे नमक। 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें और इसको चलाते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से कमल ककड़ी में मिल चुका है। तो अब हम इसमें पानी मिला देंगे। पानी हमें ज्यादा नहीं ऐड करना है, इसमें केवल मैंने 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है और इसको एक बार अच्छे से सब्जी को चला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। तो 1.5 ग्लास पानी मिलाने के बाद अब हम इसको एक प्लेट से ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे।
चलिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म सब्जी आप नान पराठे या फिर रोटी के साथ खाइए। कमल ककड़ी की सब्जी बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट बनती है। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार है एकदम शानदार गर्मा गर्म कमल ककड़ी की स्वादिष्ट सब्जी। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको कमल ककड़ी की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी, और आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये सब्जी और आप कुछ ही मिनटों में घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।